नमस्कार, एबीसी यानी अजय भांबी चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम बताने जा रहे हैं कन्या यानी वर्गो राशि का 2020 का भविष्यफल। आपकी राशि से कुछ ग्रह स्थिति महत्वपूर्ण ग्रहों की बताता हूँ। आपका जो चतुर्थ भाव है, फोर्थ हाउस, धनु राशि, वहाँ पर बृहस्पति है, शनि है, केतु है और जनवरी में ही सूर्य आएगा वहाँ पर, और फिर बुध भी आएगा, शुक्र भी आएगा, तो काफ़ी ग्रह रहेंगे। दशम में राहु रहेगा, तो यह एक स्थिति आपकी राशि से देखने को मिलती है। इसका मतलब ये हुआ, हाँ एक और बात, 24 जनवरी को शनि इन सब से निकल के पंचम भाव यानी अपने घर में आ जाएगा। तो यह जो स्थिति है यह बताती है कि चतुर्थ भाव में काफ़ी प्रेशर है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि दो तरह के इश्यूज आपके सामने आएंगे, एक इमोशनल्स आएंगे, एक डोमेस्टिक आएंगे। डोमेस्टिक और इमोशनल दोनों इश्यू रहेंगे। अब डोमेस्टिक तो अलग हो जाते हैं, परिवार से संबंध हो जाते हैं, इमोशनल व्यक्तिगत भी होते हैं, ये ऑफिस से रिलेटेड भी हो सकते हैं, संबंधों में भी हो सकते हैं, क्योंकि हर आदमी अपनी सारी व्यक्तिगत बातें किसी को नहीं बताता, मैं भी नहीं बताता। हाँ, हर आदमी का अपना राजदार होता है, तो वहाँ पर। और जब ऐसी समस्या हो, अगर परिवार में हो तो मान लो आप कोई आपसे उलझ रहा है या आप किससे उलझ रहे हैं, और मुझसे कोई बाहर उलझ रहा है तो मैं किसी को बताता नहीं हूँ, तब मेरी मुश्किल बढ़ जाती है, मैं उसे कैसे हल करूँ। लेकिन यहाँ पर ये जो सारे ग्रह हैं, इनमें खास बात यह है कि बृहस्पति अपने घर का है, शनि निकलने को तैयार बैठा हुआ है, तो यहाँ पर जो उलझने हैं वो तात्कालिक हैं। अगर आप धैर्य और संयम नहीं खोएंगे तो समस्याएं इधर से पहाड़ की तरह आती हुई मालूम पड़ेंगी, और उधर ये पहाड़ रेत का होगा जो ढल जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा धैर्य के साथ, संयम के साथ इसको सुलझाने का प्रयास करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। और इसके अलावा जो रोजी रोजगार है या नौकरी है, कार्यस्थल है या आपका बिजनेस है, वहाँ पर भी कुछ ऐसे मसले होंगे जिनको इमीडिएट अटेंड करना पड़ेगा, अब टाल नहीं पाएंगे। अगर आप टाल रहे थे पिछले कुछ समय से, चल रहा था, अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको इसको हल करना पड़ेगा। और यह एक दो तरह की स्थिति रहेगी, कुछ डोमेस्टिक, कुछ इमोशनल, कुछ प्रोफेशनल, इसके बीच में एक संतुलन बनाना पड़ेगा। यू नीड टू क्रिएट ए बैलेंस टू कम आउट फ्रॉम दिस क्योस, ध्यान रखिएगा। ऐसा करेंगे तो आपको निसंदेह सफलता मिलेगी। 1 अप्रैल को वहाँ पर बृहस्पति जो है आगे चला जाएगा, यानी मकर में प्रवेश कर जाएगा जहाँ पर शनि ऑलरेडी है। तो यहाँ से लेकर, अप्रैल से लेकर और 30 जून तक का जो समय है वो काफ़ी बेहतर रहेगा। इस दौरान में आप अपनी योजनाओं को आगे बढ़ा सकते हैं, और ये जो योजनाएं जो है लॉन्ग टर्म प्लानिंग को आगे बढ़ाया जा सकता है। एक अलग सी कसक रहेगी और एक अलग सी वो भी रहेगी, जोश भी रहेगा, दोनों बातें रहेगी। कसक ये इस बात की रहेगी, अब मुझे कुछ करना चाहिए, किया नहीं मैंने, और जोश रहेगा, यस आई कैन डू इट। तो इस तरह की स्थिति से आपका साक्षात्कार होगा और इसमें आपको विजयश्री प्राप्त होगी। ये चाहे क्रिएटिव क्रिएशन का कोई भी कार्य हो, लेखन हो सकता है, साहित्य हो सकता है, कला हो सकता है, संगीत हो सकता है, सिनेमा हो सकता है, डांसिंग हो सकता है, स्पोर्ट्स हो सकता है, फैशन हो सकता है, एनीथिंग, या रिसर्च हो सकता है, हायर रिसर्च हो सकता है, या कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो आपके दिमाग में है, आप उसे लिखना चाह रहे हैं, कोई किताब लिखना चाह रहे हैं, बड़े ये जो है इस तरह की स्थिति को आप आगे बढ़ाएंगे। और इस दौरान में बच्चों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा, पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी और परिवार में कोई मंगल कार्य भी संपन्न हो सकता है। तो कुल मिलाकर आपका मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। इसके बाद बात करते हैं हम 1 जुलाई से लेकर और 20 नवंबर तक की। बृहस्पति पुनः पीछे आ जाएगा, यानी धनु में आ जाएगा, वक्री होके वहीं रहेगा तब तक, और राहु जो है वो आ जाएगा आपके 9th हाउस में यानी वृष राशि में। केतु ऑटोमेटिकली वृश्चिक में चला जाएगा,
स्कॉर्पियो में। तो यह जो समय है यह समय मिक्स रहेगा, यहाँ पर कुछ स्थितियाँ रहेंगी नेगेटिव, लेकिन उसमें रास्ते निकलते रहेंगे, यानी समस्या तो आएगी। ये समस्या धन से हो सकती है, परिवार से हो सकती है, ये समस्या प्रॉपर्टी से हो सकती है, ये समस्या कभी इज्जत से भी हो सकती है। ये सारे एरिया कहीं ना कहीं छूते हुए निकलेंगे आप इनसे, और जो समस्या आएगी उसमें हानि का अंदेशा नहीं है, लेकिन टेंशन तो रहेगा। इस टेंशन को आप आसानी से पार कर लेंगे और कुल मिला के आगे निकलते रहेंगे, और आपका जो मार्ग है वो प्रशस्त होता रहेगा। अब हम बात करते हैं 20 नवंबर के बाद का समय और दिसंबर तक का, दिसंबर के अंत तक का समय। वहाँ पर पुनः बृहस्पति मकर राशि में प्रवेश करेगा, तो एक नई यात्रा आपकी शुरू होगी। वर्ष का जो पूरा वर्ष है ये आपके पक्ष में है, आपके फेवर में है, लेकिन बीच में थोड़ी सी नेगेटिविटी है, उसको हल करने का प्रयास करेंगे तो आप अपने कार्यों को आगे बढ़ाने में पूरी तरह सफल भी रहेंगे। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।